कैसे हो भाई आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई बहुत बढ़िया हो। तो वेलकम भाई आपका एक और ब्लॉग में, जो कि हमारा होने वाला केदारनाथ का पार्ट 3, ओनली ऑन ओनली ट्रैकिंग। तो भाई ट्रैकिंग का भी हमने पता करा है, 11 बजे हम पहुँच गए थे। ऊपर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर मौसम ख़राब है, तो अभी हम आज की ट्रैकिंग हम रोक रहे हैं। अब कल जाना सुबह 7 बजे। मैं कह यार पूरा दिन ख़राब भाई, अब क्या करें। लेकिन हम जाएंगे आज ही। जाएंगे कैसे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई, थोड़ा सा वैसा मामला है, चोरी छुप के हमें जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो वो मैं आपको रास्ता भी नहीं दिखाऊंगा कहाँ से जाएंगे, और बताऊंगा भी नहीं। बस हम एक बार चेक पोस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ दोबारा ट्रैकिंग शुरू करने के बाद। तो भाई सेटअप हो चुका अपना तैयार, देख लो भाई पीछे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। देखते हैं अब जाने देते हैं या नहीं जाते हैं। हर हर महादेव, नहीं जाने देंगे तो देखते हैं भाई कैसे न कैसे जुगाड़ करके हम जाएंगे जरूर। अभी देखते हैं वहाँ जाके, चलते हैं भाई अभी चेक करते हैं क्या सीन है, फिर बताते हैं आपको भी। अभी देखते हैं पुलिस वाले जाने देते नहीं जाने देते, बात करते हैं। प्लान ए अगर कामयाब होता तो ठीक है, नहीं तो अपना प्लान बी है भाई। भाई भीड़ हो रखी है, सो मे भी नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे भाई, रोक दिए। देखते हैं अभी क्या जुगाड़ करते हैं, देखते हैं। रुको भाई साहब जी दी खिंड, अरे रुक जा यार, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है। और मेरे साथ अध बध के भाई यही सीन होता है, जिस दिन मैं पहुंचता हूँ उस दिन में ट्रैकिंग करने का होता ही नहीं है, तो अपना छुप छुपा के निकलने की कोशिश करते हैं। कोशिश में अब भी कर लेता, बट भाई बारिश यहाँ पे भी बहुत तेज़ हो चुकी है, तो इस वजह से फिर मैं रुक ही गया हूँ। मैंने कहा यार बारिश यहीं बहुत तेज़ हो गई है, क्या ही करूँगा, फिर मैं छुप के भी अगर आगे भगता हूँ तो कैसी ट्रैकिंग करूँगा पूरी बारिश में। तो भाई फिलहाल अभी यहीं सोनप्रयाग की पार्किंग में ही हम गाड़ी में बैठे हैं। अगर देख रहा हूँ 1-1.5 घंटा वेट कर रहा हूँ, अगर मौसम सही होता है तो फिर मैं छुप छुपा के निकल के भग जाऊँगा यहाँ से, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दूँगा। अगर नहीं होता है तो फिर भाई अपना देखते क्या करना है, फिर अपना होटल वोटल कमरा वमरा देख के अपना रुकते हैं फिर आज रात को, फिर अपना कल सुबह हम 6 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी भाई बैठे हैं, एक बार देख लो भाई बारिश कैसी आ रही है, ये देख लो गाड़ी में बैठे हम, तो बारिश आ रखी है। और तो अभी भाई खा पी लेते हैं कुछ, उसके बाद देखते, थोड़ा इंतज़ार तो हमें करना ही है, क्या कैसे कब तक रुकती है, फिर देखते हैं भाई क्या जुगाड़ है, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ मैं। भाई साहब प्लान में चेंज है, हम जाएंगे फिर कल सुबह ही जाएंगे, क्योंकि मौसम भाई यहाँ पे भी बहुत भयंकर बारिश हुई है, अभी रुके बिल्कुल जस्ट अभी, और मौसम देख लो भाई अभी भी ऐसा बना हुआ है, देख लो आप, ठंड बहुत भयंकर हो चुकी है भाई यहाँ पर। मंदिर के ऊपर तो पता नहीं क्या ही मिलेगा हमें, अगर बहुत बुरी हाल है भाई। अब सुबह अपनी कल सुबह ट्रैकिंग शुरू करेंगे हम 6 बजे, देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है, क्योंकि रास्ते में कीचड़ वगैरह बर्फ वगैरह बहुत है, तो धीरे धीरे ही जाना होगा। तो अभी भाई यहाँ पे आए थे नीचे फ़ोटो वगैरह शूट करने, तो नदी के नज़ारे देखो भाई ज़रा, आप एक बार देख रहे हो फ्लो, देख रहे हो भाई सब, आवाज़ सुनो बस, आवाज़ से ही पता लग जाएगी भाई आपको नदी का फ्लो कितना तेज़ है। देख लो भाई साहब फ्लो देख लो बस। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप सब। तो भाई जैसे मैंने बताया था रात को तो जाने नहीं दे रहे थे, अब सुबह हम हो चुके हैं रेडी। अभी फिलहाल 6 बज रहे हैं, 7-8 बजे तक यात्रा स्टार्ट होगी, बट लाइन लगनी चालू हो चुकी है, तो भाई हम जा रहे अभी लाइन में ही लगेंगे, क्योंकि लेट नहीं करना हमें, जैसे कल हम रुक गए थे वैसे हमें आज नहीं अटकना। अटक गए तो भाई आज तो मेरा दिमाग सन किया भाई, मैं तो निकल जाऊँगा कहीं से भी निकलूँ, चाहे आज निकलूँगा मैं, तो भाई यही है अपना तरीके से निकल जाए तो बढ़िया है। तो अभी जा रहे भाई, रेडी हम हो चुके हैं ना, रेडी तो क्या ही होना, लत्ते वत्ते अपने धरने थे वो धरे और अपना हो चुके रेडी। अब चलते बिना देरी किए यात्रा स्टार्ट करने, जो होगी अभी लाइन में लगना पड़ेगा फिर स्टार्ट होगी, तो चलते हैं भाई अब बिना देरी किए।
क्लियर किया भी जाएंगे आगे वो टैक्सी में जो हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी। गौरीकुंड के बाद जो मेन ट्रैकिंग है पैदल वाली वो हमारी शुरू होने वाली है भाई, मजा आने वाला है, बने रहना भाई। ट्रैकिंग कर दिए शुरू, गौरीकुंड हम पहुंच गए हैं जहाँ से बोर्ड आता है अपना 16 किलोमीटर वाला। अब जिसे मिल लेगा समय जल्दी नजदीक आते हुए, बस 9-10 घंटे की भी मिल के एक अलग खुशी हो रही है। 9-10 घंटे की ट्रैकिंग है भाई, और जैसे हमने चेक पोस्ट क्लियर किया है ना, अलग ही खुशी है भाई साहब, अलग ही खुशी है। बाबा जी ने धूप वैसे दिखा दी, मौसम हो गया नंबर का। और भाई अब धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, शाम को हम लगभग लगभग 4-5 बजे तक देखते हैं हमारा पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, शाम को ही पहुँचेंगे। तो भाई ट्रैकिंग इंजॉय करते हैं, आ जाओ। ये है भाई ट्रैकिंग हमारी, अभी तो नॉर्मली है भाई ये गाड़ी वाड़ियों का रास्ता। मेन जो ट्रैकिंग होगी ना वो गौरीकुंड जो सिटी होगी ना उसमें पहुंचने के बाद शुरू होगी हमारी, जो कि उधर है, उधर के बाद शुरू होगी। तो अभी चलते हैं भाई आराम से। भाई अभी तो आधा किलोमीटर ही हम ऊपर आए हैं बस, और जो मेन आपकी ट्रैकिंग है ना वो अब शुरू हो चुकी है। अभी तो खैर बताऊँ भाई नॉर्मल ही है, शुरू के 6-7 किलोमीटर, बाद के जो आपको मिलेंगे ना 12-1 किलोमीटर भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी। और एक बात और बता दूँ, वो भाई बोर्ड पे लिखता 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 22-23 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। चलने से पहले मैंने ना ट्रैकर भी ऑन कर दिया था, इनको निकल जान दो यार एक बार, ये चलने नहीं देते भाई बिल्कुल। जाओ यार जाओ 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 जाओ। तो भाई मैं बता रहा था कि जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होते ना वहाँ से हमने अपने फ़ोन में ट्रैकर ऑन कर लिया है, तो जब मंदिर में पहुँचेंगे तब देखते कितने किलोमीटर है, सब कुछ हमें पता लग जाएगा भाई। तो बोर्ड में 16 किलोमीटर लिखा हुआ है और रियलिटी कितनी है। और ये देखो भाई साहब व्यू, ओ हो गजब, देख रहे हो भाई भाई भाई, ये देखो भाई साहब अलग ही नज़ारा है भाई। और फिलहाल ऊपर मौसम हमें सही दिख रहा है, ले लिया ऊपर मौसम सही दिख रहा है, बट देखते हैं यहाँ तो भाई ऐसा है केदारनाथ का हर सेकंड मौसम चेंज होता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। ऊपर बर्फ़ भी पड़ रही है तो भाई मज़ा तो आने वाला है। तो चलते भाई आगे, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे भाई। बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सांस चढ़ेगी ज़्यादा बोलेंगे, तो अपना कम बोल के ट्रैकिंग करते धीरे धीरे अपना। 9-10 घंटे में लगने वाला है ऊपर पहुँचने में। हो भाई भाई आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा अभी तो फ़ोन में, थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ। हाँ जूम में दिखा, ये भाई ग्लेशियर देख लो, हमें बिल्कुल इसके नीचे ही जाना है, इसके नीचे ही मंदिर है, देख लो भाई बहुत दूर है ये, दिखा आपको पास रहा होगा, बट इसकी जो दूरी है ना भाई वो हमें पता है कैसे कैसे चढ़नी है अभी तक। और सिर्फ एक यही चीज़ है जो भाई आपको चढ़ने में ना ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, सिर्फ एक यही चीज़ आपकी डेस्टिनेशन। तो कंटिन्यू करते भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए। भाई साहब अरे हट जा, ये भाई सीन देख रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा चुपचाप, देख रहे हो भाई गजब यार गजब। और रेडी फॉर सरप्राइज, ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर चल के दिखाता हूँ ये आपको मैं। ओ भाई साहब अलग स्वाद है भाई, हाँ देख रहे हो सीन है भाई।
मंदिर वहीं है भाई, उसी के नीचे चलते रहो। इट्स फील अमेजिंग भाई, अमेजिंग। दिख रहा है उधर ही जाना है भाई हमें। भाई बोल के तो मैं अब बयान नहीं कर सकता खुशी। बोल के नहीं बता समझा सकते भाई। खुशी अलग ही है। अभी तक हम 2-2.5 किलोमीटर चले होंगे। सांस तो चढ़ेगी भाई, छुट्टी है। थोड़े थोड़े गैप में ना एक एक घूट पानी पीते हुए चलो, बढ़िया है। अब कोई दिक्कत नहीं आनी आपको फिर। देखते भाई तो चल रहे हैं। ये तो फर्स्ट सीन आपको दिखाया था हमने। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही भाई। तो अगर आपको आवाज़ धीरे आ रही हो ना तो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा भाई। ये जो आपको बीच में चलने के लिए वो करेंगे ना, क्या ही बोलो भाई, सिर्फ इसी को देख के आप चलते रहोगे। आपका रुकने का ना मन नहीं करेगा। और उधर ही भाई हमारा है केदारनाथ का मंदिर, तो वहीं हमें जाना है भाई। भाई भाई हाँ, फिलहाल 2 या 3 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा, 2-2.5 के आसपास, ज़्यादा तो हुआ नहीं है। अभी तो बहुत आगे पहुँचना है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। थकान होएगी होएगी 100% होएगी, मज़ा आ रहा है। पानी वगैरह हम सब लेके ही चल रहे हैं अपना, तो ऐसे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत झरने मिलेंगे बीच में, वहीं पे हम भी पानी पियेंगे भाई। क्या ही बोलूँ, आप सिर्फ फील करो। एक बार मैं उधर जाके और दिखाता हूँ आपको ना सीन वगैरह। भाई 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 अमेजिंग अमेजिंग है, अमेजिंग। ओह देख रहे हो भाई खाई कितनी गहरी है भाई साहब। और ये आया हमारा, ओ माय गॉड, सीरियसली भाई। फिलहाल तो मैं फिलहाल हमें लग रही है गर्मी, क्योंकि अभी धूप, अगर ट्रैकिंग करने में ना गर्मी लगती है, ऊपर जाके बर्फ़ मिलने वाली तो वहाँ ठंड हो भी होगी। तो भाई 5 मिनट का हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, फिर हम आगे निकलेंगे। अब एक दो फोटो वगैरह खींचते हैं फिर निकलेंगे आगे।